हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट टीवी का हियरिंग 23 सितंबर को होने वाला था और आज है 21 सितंबर, और इंडिपेंडेंट टीवी से रिलेटेड क्या अपडेट आया है टीडी सेट कोर्ट की तरफ से आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ इंडिपेंडेंट टीवी और एंटिक सेटेलाइट वालों का जो हियरिंग था उसका क्या अपडेट है। दोस्तों बता दूं कि पहले 12 सितंबर का टीडी सेट कोर्ट में इंडिपेंडेंट टीवी और एंटिक सेटेलाइट वालों का हियरिंग था, उसके बाद 23 सितंबर को कर दिया गया था क्योंकि 12 सितंबर को ड्यू टू सम रीजन पोस्टपोन्ड हो गया था। 23 सितंबर को भी इंडिपेंडेंट टीवी का कोई अपडेट नहीं आया है, यानी कि आज 24 सितंबर है, टीडी सेट कोर्ट में कल क्या हियरिंग हुई, ना ही अभी टीडी सेट के वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, ना ही कोई प्रेस रिलीज आया है, ना ही ट्विटर फेसबुक कहीं भी कोई अपडेट नहीं आया हुआ। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इंडिपेंडेंट टीवी की वेबसाइट भी पिछले 6 दिन से बंद पड़े हुए हैं और टीडी सेट कोर्ट की तरफ से भी अभी तक कोई भी हियरिंग का ना अनाउंसमेंट है, ना ही कोई अपडेट आया है, यानी कि इंडिपेंडेंट टीवी का एक और झूठा डेट दिया गया था कि 23 सितंबर पर हियरिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ रहता तो अपडेट जरूर होता। और दोस्तों बता दूं आज 4-5 बज चुके हैं अभी तक फिर से टीडी सेट के वेबसाइट, इंडिपेंडेंट टीवी की वेबसाइट, हर चीज मैंने चेक करा, कहीं भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 23 सितंबर को शायद इंडिपेंडेंट टीवी का पक्ष में रिजल्ट आएगा और इंडिपेंडेंट टीवी एक बार फिर से शुरू होगा, तो उन लोगों के लिए एक बार फिर से निराशा है कि इंडिपेंडेंट टीवी की और एंटी सेटेलाइट की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। अब जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती कब उसका नेक्स्ट हियरिंग होगा या कब इसे शुरू होने के कोई चांसेस है, अभी फिलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट टीवी की उम्मीद लगाए जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रख सकते हैं तो रखें, अदरवाइज किसी और डीटीएच और केबल टीवी पे स्विफ्ट हो जाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी का केस बहुत लंबा चलने वाला है और इंडिपेंडेंट टीवी शुरू होने के बहुत चांस कम है। तो ये अपडेट है दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।